बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको 2-in-1 एक रेसिपी बताएंगे। आपने इस रेसिपी को मुकम्मल ज़रूर देखना है, इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी रेसिपी है। आलू को हमने धो लिया है ताकि जो इसके साथ मिट्टी वगैरह है वो उतर जाए। तो अगर आलू आपके पास बड़े हैं तो आप इसके पीस कर लें ताकि जो आलू है जल्दी उबल जाएँ, ठीक है। अब हमने इसको देसी के अंदर जो है ना डाल दिया है। इसमें हसबे ज़रूरत ज़्यादा नमक नहीं डालना, आप हल्के हसबे ज़रूरत आप नमक डालें और इसको चूल्हे को भी चढ़ा दें जी। अब आलू जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, छील के हमने प्लेट में रख लिए हैं। आज आपको आलू वाला पराठा और आलू वाली टिक्कियाँ 2-in-1 रेसिपी इसका नाम है। ये मैं आपको तैयार करके बना के आपको बताऊँगा। सबसे पहले हमने जो आलू हैं इसको बाउल के अंदर डाल लेना है। अब ये धनिया, सूखी मेथी और अनारदाना ये हम इसमें मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त 2-in-1 रेसिपी, ये आप बच्चों को नाश्ते में दे सकते हैं चाय के साथ। मेहमानों की खातर तो आदर भी कर सकते हैं। इसके बाद ये सुर्ख मिर्च, धनिया खुशक, प्याज हसबे ज़रूरत, नमक, हल्दी, सब्ज मिर्च, अजवाइन, ये तमाम अज़ा इसमें शामिल कर देने हैं। अब हमारा जो मसाला है पराठे के लिए वो तैयार हो चुका है। अब हम आटा जो है वो गूंदने लगे हैं। अब आटा जो है वो गूंदा जा चुका है। अब इसको हम बाउल में रख के कोई 10 मिनट तक हम फ्रिज में रखेंगे। अब हम जो ना पराठे के लिए जो रोटी है वो तैयार कर रहे हैं। अब रोटी दोनों जो हैं तैयार हो चुकी हैं। इसके ऊपर आप मटेरियल लगाएंगे जो हमने तैयार किया है 2-in-1 रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त ये पराठा बनने वाला है। इसी मसाले के साथ इंशाल्लाह जो है ना हम टिक्कियाँ बनाएंगे। जी तो आपने करना क्या है, जब भी पराठा अपने ऊपर डालना है तो नीचे जो तवा है उसके ऊपर आपने थोड़ा सा घी लगा देना है ताकि जो पराठा है वो साथ चिपके ना, रोटी जो है साथ चिपके ना। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर इंतज़ार करें, हम आपको 2-in-1 रेसिपी जो है वो मुकम्मल तैयार करके बताएंगे। ये आप देख सकते हैं पराठा बिल्कुल तैयारी के मरहले में। जो हमने तैयार किया था उसका जो मसाला बचा है 2-in-1 जो रेसिपी हम बता रहे थे आपको, वो ये है कि उसी मसाले की मदद से हम 7 टिक्कियां बनाएंगे। ये देखिए, अब जो हमारे पास एक अंडा है, 2 अंडे हमने फेंटे हैं इसको, इसमें हम ये इस टिक्की को डिप करेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बच्चों की फरमाइश पे हम ये बना रहे हैं।
साथ अंडा लगाने का जो है इसमें डिप करने का सिर्फ मकसद ये होता है कि जो ये जो टिक्की है ये खुल ना पाए। हाँ जी अब्दुलरहमान साहब, हाँ मरजन बीबी, अच्छा जी लो जी अब बच्चे खुश हो गए हैं 2-in-1 रेसिपी खा के। ठीक है जी, आलू वाला पराठा और आलू वाली टिक्कियाँ की रेसिपी, आलू पराठा और आलू वाली टिक्कियाँ, उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी। हमारा जो विलेज फूड एंड ब्लॉग्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें ताकि हमारा हौसला और ज़्यादा बढ़े, ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियो जो हैं वो अपलोड कर सके। तो अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।